हेलो फ्रेंड, मैं पुष्पा, पुष्पा की पाकशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बहुत ही आसान रेसिपी लेके आई हूँ, ग्वार फली की। आप इसको सब्जी बोल सकते हैं, चटनी बोल सकते हैं, हम इसको चटनी बोलते हैं। इसको आप 5 मिनट में बना के तैयार करेंगे, बिना तेल, बिना तड़का लगाए, बिना किसी तामझाम की। और खाने में ये लाजवाब बनती है, आप पराठे पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होती है। तो हमारे इधर अक्सर ये बनाई जाती है, तो एक बार ये वीडियो देख के आप ही ज़रूर बना के ट्राई करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब इसको बनाना स्टार्ट करते ही मैंने ग्वारफली ले ली है और इनको आगे पीछे के डंठल काट के इस तरह से बड़ा बड़ा काट लिया, 2 पीसेस कर लिए। और अच्छे से पहले 2-3 पानी में धो लिया है मैंने, और आपको अच्छे से धो के ले लेनी इसको। अब इसको मैं उबालने के लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर लूँगी और थोड़ा सा इसमें 2 चुटकी नमक डालूंगी। पानी लगभग हमारा गर्म हो गया, मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, और इसको हल्का सा उबालेंगे, ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उबालना नहीं चाहते तो मैंने एक पहले वीडियो डाला, उसमें उबाला नहीं है, स्टीम से उसको पकाया, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। आपको जितनी ग्वारफली लेनी है, जितनी इसकी चटनी बनानी है, उसके अनुसार ले सकते हैं, और उसके अनुसार ही आपको पानी लेना है। इसको हम 2 मिनट के लिए बॉयल होने देते हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट होने तक। तो लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं मीडियम आंच पे इसको बॉयल होते, और इस तरह की सॉफ्ट हो गई। गैस बंद कर देंगे और मैं इसको एक छन्नी में निकाल दूंगी और इस तरह से एक कटोरी पे रख दूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम एक लकड़ी लेंगे इस तरह से, आप कोई भी टाइट लकड़ी ले लें, और गैस पर चढ़ा दूंगी इसका कोयला बनने के लिए। हम इसको खीरा बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, और ये थोड़ा सा बस 1/4 चम्मच मैंने इसके अंदर सब्जी मसाला डाल दिया। आप इसकी जगह भुना हुआ जीरा भी ले सकते हैं, और आप कितनी मिर्ची खाते हैं उसके अनुसार मसाले डाल दें। अब हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे, तब तक हमारा जो खीरा है वो भी बन गया है। मैं 4 चम्मच के करीब इसे पहले घी डाल दूंगी साइड में, इसके ऊपर नहीं डालना आपको, साइड में घी डालेंगे, इससे हमारी चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और बाद में इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसमें तेल का यूज़ नहीं करना है, घी का यूज़ करना है, और बाद में थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे और ढक्कन लगा देंगे। 4-5 मिनट इसको धुआं ख़त्म होने तक रखना है, ढक्कन नहीं हटाना है। मैं 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा रही हूँ, तो धुआँ इसका पूरा ख़त्म हो गया, और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये सब्जी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने, बिल्कुल सब्जी जैसी लगती, लेकिन हम इसको चटनी बोलते हैं। और बनाने में 5 मिनट लगता है अक्सर, और खाने में सबसे ज़्यादा टेस्टी बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी ग्वारफली का सीजन है तो आराम से हर जगह ग्वारफली मिल जाती है, ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है। तो एक बार इस चटनी को आप ज़रूर बना के ट्राई करें, आप पराठे पूड़ी रोटी किसी के साथ भी खा सकती, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, मिलते हैं हमने।